Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, सब्सक्राइबर्स के द्वारा क्वेश्चन होता है कि टॉप बटम कनेक्शन क्या होता है और बराबर कंफ्यूज करते हैं, वाइंडिंग करने के बाद प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए मैंने जो फराटा या टेबल फैन जिसके अंदर चार स्टार्टिंग चार रनिंग कॉइल होता है उसका कनेक्शन आपस में किस तरह से करना है ये वीडियो आज मैं उसी पर बना रहा हूँ। अधिकतर टेबल फैन या ये पेडेस्टल है फराटा फैन जिसे कहते हैं उसका कनेक्शन, देखिए इसके अंदर चार कॉइल होता है, जब चार कॉइल होगा तो उसका लूप भी एक कॉइल का दो लूप निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चार कॉइल को पहले बना लें, स्लॉट में आप डालते हैं तो इसी तरह से चार कॉइल डालते हैं, ठीक है। अब इसके फर्स्ट सिरा को आप टॉप मान लें, इसे आप टी कर दें और इसको बॉटम मान लें, यानी टॉप बॉटम। फिर ये सेकंड कॉइल जो है फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल, इसका ये टॉप हो जाएगा और ये बॉटम हो जाएगा। इसी तरह तीसरे कॉइल में भी ये टॉप होगा ये बॉटम होगा, और फिर चौथे कॉइल में भी ये टॉप होगा और ये बॉटम होगा। तो इसमें आपको कनेक्शन करना है टॉप टॉप, ठीक है, और बॉटम बॉटम। तो बॉटम से मैंने इस बॉटम को कनेक्शन कर दिया, या टॉप टॉप भी चल सकते हैं या बॉटम बॉटम भी चल सकते हैं, और टॉप को मैंने इस टॉप से कनेक्शन कर दिया, ठीक है, और ये बॉटम से कनेक्शन हो गया। तो क्या हुआ, ये टॉप जो है आपका ये बाहर निकला, यहाँ एक लूप वो हो गया और एक लूप ये हो गया, यानी चार कॉइल जब आपस में कनेक्ट हो गया तो एक लूप ये हो गया, इसका दूसरा सिरा ये हो गया। अब इसी तरह फिर इसका ए मान लिया जाए रनिंग है या स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग का ए हो गया एक साथ, और फिर रनिंग का फिर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। इसी तरह से फिर आप चार कॉइल बना दें, ये चार कॉइल हो गया। फिर इसमें आप टॉप टॉप बटम बटम यहाँ इंडिकेट है, इसी तरह से इसे भी आप समझ लें, इंडिकेट कर लें, और फिर यहाँ यहाँ बटम बटम और टॉप टॉप, बटम बटम और टॉप टॉप, फिर ये टॉप जो है लूप यहाँ निकल गया और एक सिरा यहाँ निकल गया। तो चलिए, जब इतना मैं बना चुका हूँ तो इसके साथ कैपेसिटर और सप्लाई का भी व्यवस्था कर दूँ। इसमें कभी कभी आप देखेंगे फैन से चार वायर बाहर निकलता है, वो चार वायर यही होता है, एक दो तीन चार, और कभी तीन वायर होता है। तो तीन वायर के लिए आप क्या करें, इसे अंदर ही इस दोनों को शॉर्ट कर दें और यहाँ से एक सप्लाई डाल दें, ठीक है, ये सप्लाई एक मैंने यहाँ जोड़ दिया, और इसके अंदर आप कैपेसिटर लगाते हैं, इस दोनों वायर के साथ कैपेसिटर को जोड़ दें, क्योंकि इसके अंदर कोई पोल नहीं होता है, एसी के अंदर ये जो कैपेसिटर यूज होता है 2.25 या 2.5, ये कैपेसिटर जोड़ दिए, अगर ये फराटा है तो 3.25 भी आप यूज कर सकते हैं, और एक सप्लाई का जो वायर है वो आप यहाँ जोड़ दें और इसमें सप्लाई देंगे तो फैन चलेगा। अगर सपोज दैट फैन उल्टा चल रहा है तो इस वायर को तो आप वहीं रहने दें, इसे छेड़छाड़ ना करें, इस वायर को सिर्फ चेंज करके यहाँ जोड़ दें तो फैन सीधा चलने लगेगा। अगर उल्टा चलता है तो आप इस तार को सिर्फ बदल सकते हैं, अगर यहाँ जोड़ने पर उल्टा चलता है तो आप इधर जोड़ के सीधा कर लें,
इस तरह से इसको सिर्फ चेंज करना है और आपका कनेक्शन फाइनल हो गया और फैन चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।